नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कि मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए लव लाइफ का महीना या प्रेम संबंध के मामले में सितंबर मास 2019 कैसा रहेगा, इसके बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि किसी भाई बहन ने हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक पर कि मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए सितंबर मास प्रेम संबंध के मामले में, लव लाइफ के मामले में कैसा रहेगा। चलो चलते हैं। दोस्तों, सितंबर मास 2019 में मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए प्रेम संबंध के मामले में, लव लाइफ के मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन शुरू में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, किसी बात को लेकर थोड़ा खटास मन में हो सकता है, यानी कि थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन उसके बाद आपका पूरा महीना मजे के साथ कटेगा। दोस्तों, जो पति पत्नी झगड़े को लेकर, टेंशन को लेकर दूर हो गए हैं या दूर दूर रह रहे हैं, या फिर किसी का लव पार्टनर उसे रुष्ट हो गया है, तो वो इस महीने में अब इकट्ठे होने वाले हैं, एक साथ जीवन बिताने वाले हैं, खुशियों के साथ ये समय बिताने वाले हैं। और जो लव लाइफ में, प्रेम संबंधों में धोखा खा चुके हैं या फिर नए पार्टनर की तलाश में हैं, तो उनको वो भी मिलने वाला है। दोस्तों, कुल मिलाकर इस महीने में आप बहुत सारी खरीदारी भी करोगे और घूमने फिरने का सौभाग्य भी आप प्राप्त करोगे। अपने लव पार्टनर को कुछ ना कुछ नई वस्तुएं भेंट करोगे, जिसके कारण आपका पार्टनर बहुत प्रसन्न रहेगा, और जो पति पत्नी है वे भी आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे, जिनके कारण प्रेम संबंध बहुत ही ज्यादा मजबूत बनेंगे। दोस्तों, पहले से बहुत ज्यादा समय खराब चल रहा था लव लाइफ के मामले में मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए, लेकिन ये महीना सितंबर मास 2019 बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत आपके लिए लेकर आ रहा है। दोस्तों, मैं दुआ करता हूं कि आप इस महीने को बड़े प्यार के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ या अपनी पत्नी या पति के साथ इस समय को खुशी के साथ बिताए, और मैं आशा करता हूं कि आप गुजारने की कोशिश करोगे। दोस्तों, यदि आपको मेरी ऑडियो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी को करता है नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।